नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आने से दुनिया के सभी देश सतर्क हो चुके हैं। नए वेरिएंट के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से हलचल मच गई है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था और ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर की है। नए वेरिएंट के सामने आने के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को लेकर सतर्क हो चुके हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर लौटे यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरते ही क्वारंटीन किया जा रहा है। अब ऐसे में सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण क्या हैं और किस तरह से ये फैलता है। इसीलिए डॉक्टर बीपी त्यागी से जानिए कि किस तरह से आपको बचना है और क्या ये वेरिएंट है। अभी जो ये कोविड का नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, ये एक रेसिस्टेंट माना जा रहा है कि रेसिस्टेंट कोविड है और इसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। ओमिक्रॉन इसका न्यू नेम है और ये WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको नाम दिया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है कि इसका हमें ध्यान देना है, सोसाइटी में ज़्यादा ना फैले। ये साउथ अफ्रीका में है, इज़राइल में है, हांगकांग में है। इसका जो मेन वो है इन्फेक्टिविटी रेट, वो और सबसे ज़्यादा है और ये बहुत ही घातक हो सकता है। ये घातक क्यों हो सकता है वो समझने की ज़रूरत है। इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उनमें 30 बार म्यूटेशन हुआ है और जो स्पाइक प्रोटीन है किसी भी वायरस की वही हमारी एंटीबॉडीज़ को पहचानती हैं। तो इसमें इतना म्यूटेशन हुआ है कि वो जितनी भी हमारी वैक्सीनेशन हुआ है उससे जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनी हैं वो उसको नहीं पहचानेगा। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अभी तक जितना हमें वैक्सीन लगा है या जो लगना है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये खासकर जो बच्चों में थाइमस ग्लैंड होती है जो हमारे कीटाणु के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, वो क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ बनने ही नहीं देगा तो उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी ये ख़राब माना जा रहा है और इसको 30 गुना ज़्यादा ख़राब मान रहे हैं दूसरे वेरिएंट से। उसका सिंपल रीज़न है कि ये सिर्फ जो हमारी सावधानी है उसी से हम इससे बच सकते हैं। अदरवाइज ये हमारा डे वन पे इतना घातक रूप ले लेगा जो दूसरे स्ट्रेन पांचवे दिन लेते थे। जो अभी इससे पहले कोविड में थी प्रॉब्लम के उनको पहले बुखार होगा, उनको बदन दर्द होगा, उनको सर्दी जुकाम होगा, सांस में दिक्कत होगी और वो फेफड़ों तक जाएगा इन्फेक्शन। तो जो ये वाला कोविड था पहले वाला, उसमें ये हमें चौथे पांचवे दिन फेफड़े की प्रॉब्लम नज़र आती थी, लेकिन इसमें जो ये प्रॉब्लम है वो हमारी सेकेंड डे पे शुरू हो जाती है। हम जिसको कोविड न्यूमोनिया बोलते हैं, एक बार कोविड न्यूमोनिया जब डेवलप होता है और हमारे शरीर में थक्के बनने लगते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए इसलिए जानलेवा साबित होते हैं कि वो हार्ट अटैक भी कर सकते हैं, वो ब्रेन अटैक भी कर सकते हैं, वो हमारे फेफड़े की जो खून की नसें हैं उनमें फंस के हमारे फेफड़े को भी इन्फार्क्ट कर सकते हैं। इन्फार्क्ट का मतलब ये है कि खून की सप्लाई वहाँ की कम कर सकते हैं। जब एक जगह इन्फार्क्ट होता है, खून की सप्लाई कम होती है तो आगे वाला टिश्यू डेड हो जाता है और जब वो टिश्यू बिल्कुल डेड होता है, काला पड़ता है तो वहाँ वो हटने के बाद खून रिसने लगता है तो हमारे मुँह के रास्ते से खून आने लगता है जिसको हम हीमोप्टेसिस बोलते हैं। ऐसे में जब हीमोप्टेसिस शुरू होता है तो वो, क्योंकि हमारे सांस के रास्ते से ही वापस आता है, उसका थक्का अगर सांस की नली में फंस जाता है तो वो जानलेवा साबित होता है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो इसके लिए खतरनाक हमें इंडिकेशन दे रही हैं। इसमें बचाव क्या है? बचाव हर कोविड का जैसा होता है, हमें 2 मीटर की डिस्टेंस रखनी है,
हमें डबल मास्किंग रखनी है, और उसके साथ साथ अगर हम किसी को छूते हैं या उसके आसपास आते हैं तो हमें अपने हाथ धोने हैं, और जितना भी कोविड प्रोटोकॉल है जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उनको हमें फॉलो करना है। और ये मेरा एक अपनी गवर्नमेंट को भी गुजारिश रहेगा कि उन्होंने जो 15 दिसंबर से इंटरनेशनल एयरलाइंस खोलने का ऐलान किया है, अगर एयरलाइन साउथ अफ्रीका कोई डायरेक्ट जाती है या इज़राइल या हांगकांग जाती है तो उससे ये इन्फेक्टिविटी रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, तो इस डिसीजन को फिर से रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।